हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बैग बनाने जा रही हूँ जिसे मल्टीपर्पज़ बैग की तरह यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई 28 इंच है। अब इतने बड़े ही साइज का एक और कपड़ा लेंगे अस्तर के लिए और इसे दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइड से। अब एक अस्तर का कपड़ा लेंगे, एक मेन फैब्रिक और बीच में पेस्टिंग बुकरन डालेंगे। ये मैंने जो हमारे कपड़े का लंबाई है उसके हिसाब से राउंड कट किया है। ये मैंने कपड़े को पेस्ट कर दिया है और उसके बाद स्टिच लगा दिया है चारों ओर से, आप देख सकते हैं। अब हम इसके किनारे पे एक लैस स्टिच करेंगे। ये मैंने लैस को स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से। अब इसके किनारों को, दोनों किनारों को जोड़ के स्टिच कर लेंगे। अब हम राउंड पार्ट को हमारा मेन फैब्रिक से स्टिच कर लेंगे साइड साइड से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और इसको पलट देंगे। ये मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है 6 इंच का और इसकी लंबाई हमारे बैग की जो जितनी चौड़ाई है उतना ही रखेंगे। फोल्ड करके बैग की जितनी चौड़ाई है उसी के बराबर कर लेंगे। यहाँ पे माप करके और एक मार्क कर देंगे बैग की चौड़ाई का। ये मैंने साइड को स्टिच कर लिया है और बीच में एक गैप छोड़ दिया है 1 इंच के लगभग में।
अब इसको फोल्ड करके सीधे की ओर से जिस तरह सलवार की डोरी के लिए बनाते हैं होल, उसी तरह से स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब इसे फोल्ड करके ऊपर से एक इंच छोड़कर एक निशान लगा देंगे। उस निशान पे हमें सिलाई चलानी है। अब इसको जिधर हमने डोरी के लिए छोड़ा है उसको स्टिच के बराबर करके उलट के एक सिलाई चला देंगे। अब ऊपर से एक और सिलाई चला देंगे एकदम किनारे में। को पिन की सहायता से इसमें डाल देंगे। अब इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच का एक कपड़ा लिया है जिसको मोड़ करके स्टिच कर लेंगे और इसको हैंडल के लगाने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा हैंडल बन गया। अब इसको स्टिच की तरफ एक और उसके बराबर दूसरी तरफ भी एक निशान लगा के हैंडल को स्टिच कर लेंगे। अब हम इस डोरी को एक लटकन लगाएंगे। ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इसे आप एक पर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान भी यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ बैग की तरह आपका है।
जो छोटे मोटे सामान लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।